गौर से देखिए, अवैध रेत उत्खनन का यह खुला खेल राजधानी से महज 90 किलोमीटर दूर नसरुल्लागंज में चल रहा है। यूं तो कलेक्टर के सख्त आदेश हैं कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रेत परिवहन किसी कीमत पर नहीं किया जाएगा, लेकिन सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। गाड़ियां निकल गई, आप तो एक भी गाड़ी नहीं रोक पाए। 20 से 25 गाड़ियां सब निकल गई, तो पूरी गाड़ियां निकल गई, आप तो एक भी गाड़ी नहीं रोक पाए। 20 से 25 गाड़ियां सब निकल गई, तो पूरी गाड़ियां निकल गई, आप तो एक भी गाड़ी नहीं रोक पाए। 20 से 25 गाड़ियां सब निकल गई। यह वीडियो है सोमवार की रात का, जिसमें नसरुल्लागंज में सीहोर रोड पर धड़ल्ले से रेस से भरे 2 दर्जन से ज़्यादा डंपर बेखौफ निकल रहे हैं और पुलिस जवान एक सुनने को तैयार नहीं। इस अवैध रेत उत्खनन में कोतवाल सैया हैं थाना नसरुल्लागंज के थाना प्रभारी पंकज दीवान। फोन पर की गई बातों से तो यही लगता है कि इस खेल में ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अब पर्दे के पीछे और कौन कौन है इस अवैध रेत के खेल में शामिल है, यह तो यही बता सकते हैं। आप भी सुनिए सिपाही और थानेदार के बीच का ये रोचक संवाद। सर आ जाइए सीहोर रोड पे, कम से कम 25 से 30 डंपर आपके पिकअप ने रोक रखे हैं, वो फिर भी नहीं रुक पा रहे हैं। वो मैं तो गेट में हूँ यहाँ पर सर, 25 से 30 डंपर खड़े हुए हैं यहाँ पर और आपकी 100 डायल भी खड़ी हुई है, पर वो रुक नहीं रहे हैं, है ना। अच्छा, और लाइन लगी है 20-25 डंपर होगी बिल्कुल रेत से भरे हुए सबके, और यहाँ एक पुलिस वाला है, एक जवान है बस, और वो गाड़ी रोक ही नहीं रहा है। अभी भी गाड़ी सब स्टार्ट बढ़ाया जा रहा है आगे। कौन पुलिस जवान है ये आप बात कीजिए। लो भैया बात करो। हाँ सर सुबोध बोल रहा था। हाँ सर सुबोध बोल रहा था। हाँ 100 डायल में हूँ सर। गाड़ी रोकने क्यों खड़े हो? गाड़ी सर 20-25 गाड़ी जाएंगे उसको रोक के। इतनी सारी गाड़ी है? जी सर इतनी सारी गाड़ी को रोक कहाँ ले जाएगा? अब वो अभी सर पत्रकार आ गए, फोटो वोटो खिंचवा रहे, तो फोटो वोटो खींच गए सर। हाँ तो 3-4 गाड़ी ले जाएंगे, बाकी चलो रोकी दो गाड़ी को। अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब सीहोर एसपी ने एक आरक्षक का ट्रक नहीं रोकने पर वीडियो वायरल होने के बाद उसे निलंबित कर दिया था। अब ये फोन कांड सामने, देखना है अब एसपी साहब क्या कार्रवाई करते हैं। यह बात तो तय है कि रेत के इस अवैध उत्खनन में ऊपर से नीचे तक पुलिस, माइनिंग अधिकारियों और रेत माफिया का गठजोड़ बेहद शक्तिशाली है, जिसे तोड़ना फिलहाल टेढ़ी खीर दिखाई दे रहा है। नसरुल्लागंज से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और इंडिया फर्स्ट न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी करें। अरे 55 साल में तुम जो नहीं कर पाए, पहले उसका जवाब दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 5 मिनट भी अपने पब्लिक रिलेशंस को, अपने पीआर को छोड़ नहीं सकते।